हाई गाइज व्हाट्सअप हाई एवरी वन आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग विद सिलेबस ऑफ एलेवेंथ क्लास इकनॉमिक्स विच इज़ अंडर जे के बोर्ड टूडे इज़ आवर डे वन स्टूडेंट्स अगर हम इलेवंथ क्लास के इकनॉमिक के सिलेबस की बात करें तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हंड्रेड हैं मैक्सिमम मार्क्स हंड्रेड हैं स्टूडेंट्स और उन्हें करने के लिए आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा वो थ्री आवर्स मिलने वाले हैं जिसमें थ्योरी जो होगी वो 19 मार्क्स की होगी और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने एक तैयार करनी है वो आपकी 10 मार्क्स की होगी स्टूडेंट्स जो पहला यूनिट है हमारे इलेवेंथ क्लास का इकोनॉमिक्स का वो है इंट्रोडक्शन्स इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स ये वाला यूनिट सेवन मार्क्स का रहने वाला है जिसमें फर्स्ट सब टॉपिक है वट इज़ इकनॉमिक्स इकनॉमिक्स क्या होती है इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हुए हैं जैसे एडम स्मिथ अल्फर्ट मार्शल और रॉबिनसन उन्होंने इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन दी है हम लोग वन बाय वन इन सब की डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है वो है मीनिंग स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग देखेंगे उसका स्कोप देखेंगे और स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है इकोनॉमिक्स में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स जो हमारा सेकेंड यूनिट है वो है कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टूडेंट्स ये सेकेंड जो हमारा यूनिट है ये थर्टीन मार्क्स का रहने वाला है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा सोर्स ऑफ डेटा प्राइमरी सेकेंडरी हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड मैथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा सेंसेज ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स जो डेटा कलेक्ट करना होता है तो हम सिर्फ दो तरीके से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं एक प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है और एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होता है इस यूनिट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है मेथड कौन कौन से होते हैं जिन जिनकी मदद से हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फिर सेकेंडरी सोर्स के कौन कौन से स्कैनरी डेटा के कौन कौन से सोसेज होते हैं जहाँ से हमें स्कैनरी डेटा मिल सकता है फिर हम लोग सेंसिस देखने वाले हैं सेंसिस ऑफ इंडिया सेंसिस क्या होता है जिसमें पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है स्टूडेंट्स एज यू नो सेंसिस इंडिया में जो सेंसिस होता है वो हर दस साल बाद होता है फिर उसके बाद हम लोग नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स जैसे हमने पिछले सब टॉपिक में देखा कि कलेक्शन ऑफ डेटा जब डेटा एक बार कलेक्ट हो गया लेकिन उसी डेटा जब एक बार डेटा कलेक्ट हो गया उसको ऑर्गेनाइज करना है हम लोगों को तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन इन सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टूडेंट्स जब एक बार डाटा कलेक्ट हो गया वो ऑर्गेनाइज भी हो गया अब हमको उसको प्रेजेंट करना है जब हमें डेटा को प्रेजेंट करना है तो हम लोग उसके टेबुलर प्रेजेंट टेबुलर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं उसकी या डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग जियोमेट्रिक फॉर्म जिसमें बार डायग्राम और पाई डायग्राम के थ्रू उसको प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स जिसमें हिस्टोग्राम पॉलीगन और ओगाइव उनके थ्रू कर सकते हैं या अर्थमेटिक लाइन ग्राफ जिसको हम लोग टाइम सीरीज ग्राफ बोलते हैं उसके थ्रू भी हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं हमारा जो थर्ड यूनिट है स्टूडेंट्स वो है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रटेशन स्टूडेंट जो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रटेशन है ये ट्वेंटी मार्क्स का रहने वाला है इसमें हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन मीडियन और मोड को डिस्कस करेंगे फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन जिसमें हम लोग रेंज, ड डेविएशन रिलेटिव डिस्पर्शन कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन लॉरेंस एंड मीनिंग एंड इट्स एप्लीकेशन को वन बाय वन इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है कोरिलेशन कोरिलेशन Correlation का मीनिंग करेंगे हम लोग स्कैटर डायग्राम मेजर ऑफ पियर्सन मैथर्ड्स टू वेरिएबल अनग्रुप डेटा स्पीयर्स मैं रैंक कोरिलेशन इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर मीनिंग्स इंट्रोडक्शन इंडेक्स नंबर के मीनिंग क्या होता है टाइप्स कौन कौन सी हैं जिसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर स्टूडेंट इन सबको हम वन बाय वन सबको डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा फोर्थ यूनिट है वो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 90 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी और 10 मार्क्स का आपकी प्रोजेक्ट वर्क होगा स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट वर्क होगा आपको इन फोर टॉपिक्स में से एक टॉपिक आपको चूज करना है और उस टॉपिक पे आपको अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें कौन कौन से टॉपिक है ए रिपोर्ट ऑन डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ यूर नेबरहुड कंज्यूमर अवेयरनेस अमंगस्ट हाउस होल्ड चेंजिंग प्राइस ऑफ फ्यू वेजिटेबल्स इन यूर मार्केट स्टडी ऑफ ए कॉपरेटिव इंस्टीट्यूशन मिल्क कॉपरेटिव इन फोर टॉपिक्स में से आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो और उस पर आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हो स्टूडेंट्स जो हमारा फिफ्थ यूनिट है फिफ्थ यूनिट है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट स्टूडेंट्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये टेन मार्क्स का रहने वाला यूनिट इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 90 1947 से लेके 90 तक हमारा जो डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस था वो कैसा था हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट में ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब हम आज़ाद हुए 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी उस वक्त इकॉनमी कैसी थी हम लोग ब्रीफ में उसको देखने वाले हैं नेक्स्ट सब टॉपिक है कॉमन गोल ऑफ फाइव ईयर प्लान स्टूडेंट्स और नेक्स्ट सब टॉपिक है मेन फीचर्स प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशनल ऑस्पेक्ट एंड फ्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटर्जीज इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड फॉरन ट्रेड्स ये वाला जो हमारा फिफ्थ यूनिट है ये टेन मार्क्स का है Second, you, हमारा जो यूनिट है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 स्टूडेंट उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीड एंड मेन फीचर्स लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई 1991 में हम लोग इस सिक्स यूनिट में उसको डिस्कस करने वाले हैं सिक्स यूनिट टेन मार्क्स का है हमारा जो सेवन्थ यूनिट है सेवेंथ यूनिट है करंट चैलेंजिंग चैलेंजेस फेस फेसिंग इंडियन इकॉनमी जो करंट चैलेंजेस फेस कर रही इंडियन इकानमी हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं और ये रह ये रहने वाला है ट्वेंटी मार्क्स का स्टूडेंट्स इसमें हम लोग पॉवर्टी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन ए क्रिटिकल असेसमेंट्स इसको डिस्कस करेंगे वन बाई वन फिर नेक्स्ट सब टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट की इशूज क्रेडिट एंड मार्केटिंग रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स next subtopic human capital formations how people become resource role of human capital in economic development growth of education sector in india employment growth informalization and other issues problem and policies students next subtopic infrastructure meaning and types case study energy and health problems and policies a critical assessment और स्टूडेंट इसी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी यूनिट में सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे कि हम लोगों को डेवलपमेंट भी करना है लेकिन हमें पैरेलल ये भी देखते रहना है कि कहीं हम लोग ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट तो नहीं ऐसा कर रहे हैं क्या हम लोग अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड डिग्रेड तो नहीं कर रहे हैं तो हमें डेवलपमेंट भी करना है लेकिन अपने इन्वायरमेंट को भी प्रिजर्व करना है इन्वायरमेंट भी प्रिजर्व रहे और डेवलपमेंट भी हो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट सब टॉपिक है मीनिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट स्टूडेंट इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट <coughs> जो हमारा यूनिट है एट्थ यूनिट एट्थ यूनिट है डेवलपिंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स ये टेन मार्क्स का हमारा जो यूनिट है ये रहने वाला है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं एक कंपैरिजन विद नेबरर्स जो हमारे नेबरर्स हैं उनके साथ अपनी इकोनॉमी का हम लोग कम्पेरिजन करेंगे जिसमें हम इंडिया एंड पाकिस्तान का कंपेरिजन करेंगे इंडिया और चाइना का करेंगे किस में करेंगे कोई करंट इशूज़ हैं ग्रोथ को ले करेंगे पॉपुलेशन को ले करेंगे और जो डिफरेंट डिवेलपमेंट इंडिकेटर्स टाइम टू टाइम जो इंस्टीट्यूशन है वो रिलीज करते हैं उनको लेकर भी हम लोग कंपेरिजन करेंगे अपनी इकॉनमी का अपनी नेबरिंग इकॉनमी के साथ स्टूडेंट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट इलेवंथ क्लास सिलेबस ऑल राइट थैंक यू सो मच एवरी वन बाय टेक केयर एंड आई वुड बी कमिंग अप विद सच ऑसम लेक्चर सून्स ऑल राइट बाय